ओके स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो साउंड का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो बताओ स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है? अकाउस्टिक। साउंड को हमने नेचर के बेसिस पर कितने भाग में डिवाइड किया था? नेचर के बेसिस पर दो। कौन कौन से थे? लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कितने भाग में डिवाइड किया था? तीन। कौन कौन सा? ऑडिबल, इंफ्रा, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल का रेंज क्या था? ट्वेंटी फाइव हर्ट्स लेकर के, या नहीं ट्वेंटी हर्ट्स से लेकर के 20 किलो हर्ट्स, लेकर के 20 किलो हर्ट्स। उसके बाद इंफ्रासोनिक का रेंज क्या था? इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्स। और अल्ट्रासोनिक का क्या था? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। ओके उसके बाद हमने तीसरा देखा था साउंड की स्पीड के बेस पर कितनी भाग में थे? तीन। कौन कौन से था स्पीड के बेसिस पर? सबसोनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अच्छा सबसोनिक की तुलना हमने कैसे करी थी? कि हमको पता है लैपलास्ट ने बताया था साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड कहाँ पर? एयर में। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। और इसी साउंड की स्पीड को हम कहते हैं मैक, है ना, वन मैक। तो अगर कोई भी साउंड की स्पीड 1 मैक या उससे कम हो, 1 मैक या उससे कम हो, तो उसे हम रखेंगे किसमें? सबसोनिक में। लेकिन किसी भी साउंड की स्पीड 5 मैक या उससे कम हो तो उसे हम रखेंगे सुपरसोनिक में। लेकिन किसी साउंड की स्पीड 5 मैक से अधिक हो तो उसे हम रखेंगे हाइपरसोनिक। इतना क्लियर था? ओके अब हमने ये डिस्कस किया था कि हम आज इनके एग्जांपल्स समझेंगे, किस तरीके से कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जाती है तो उससे निकलने वाला साउंड किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है अब समझो ध्यान से, मैं यहाँ समझाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसोनिक, उसके बाद सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक। अच्छा बताओ V0 = 332। एक बात बताओ, सड़क पर तुम जा रही हो बाइक से, बाइक जब चलती है तो कुछ आवाज निकलती है कि नहीं निकलती है? क्या लगता है कि इस बाइक से निकलने वाली आवाज सबसोनिक होगी, सुपरसोनिक होगी या हाइपरसोनिक होगी? सबसोनिक होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कोई बाइक मैक्स टू मैक्स कितना जाएगी, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर आवर। उससे निकलने वाली साउंड 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर आवर ही होगी, है ना। हाँ और उसको जब हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो और कम हो जाएगा, यानी हमारे वी नॉट से तो कम ही रहेगा, है ना, वी नॉट से कम ही रहेगा। तो रोड पर जितने भी व्हीकल चलते हों, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, उनसे निकलने वाली साउंड सबसोनिक की कैटेगरी में आएगी। इवन जो तुम्हारा प्लेन होता है, प्लेन है ना, प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन भी
ये प्लेन भी इतनी स्पीड से नहीं चलता कि ये सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक की साउंड को जनरेट कर सके। प्लेन से निकलने वाली आवाज भी किस कैटेगरी में आती है? सब सोनिक की कैटेगरी में आती है। समझ में आया? प्लेन, एरोप्लेन जो होता है जिसपे लोग बैठ करके एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। फाइटर जेट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, उसी तरीके से प्लेन की जगह तुम हेलीकॉप्टर ले लो, ठीक है। यानी जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं उड़ने वाली भी, उनसे निकलने वाली आवाज भी सब सोनिक की कैटेगरी में आती है। अब हम समझते हैं सुपर सोनिक की कैटेगरी में क्या आएगा। तो देखो, जो पृथ्वी पर से रॉकेट को आसमान में ले जाने के लिए, सॉरी सैटेलाइट को आसमान में ले जाने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल होता है, रॉकेट उनकी स्पीड क्या होती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 किलोमीटर चल जाती है। और यहाँ पर सब जो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक का रेंज क्या रहता है कि अगर कोई भी वस्तु जिसकी स्पीड 5 मैक से कम या 5 मैक के बराबर होगी, वो किसमें आ जाएगी? सुपरसोनिक में। तो रॉकेट से निकलने वाला साउंड सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है। फाइटर जेट इतनी तेजी से उड़ते हैं, छोटे होते हैं और इतने भी एंगल पर वो मूव कर सकते हैं। तो फाइटर जेट से निकलने वाला साउंड सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है, सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है। इवन हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वेरिएंट हैं, समझा? ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वेरिएंट हैं। तो उसमें से जो ब्रह्मोस वन इससे निकलने वाला साउंड भी सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है। अब जब मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो उससे अंदाजा लगा लेना इन सब की स्पीड, ठीक है। रॉकेट की स्पीड सुपरसोनिक, फाइटर जेट सुपरसोनिक, ब्रह्मोस वन सुपरसोनिक, जहाज की स्पीड सबसोनिक, मोटरसाइकिल सबसोनिक, बस सबसोनिक। समझ आ रहा है? उनके साउंड से उनकी स्पीड का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक में देखो, हमारे पास एक है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल का जो रेंज है, इसे कहा जाता है कि ये 25 मैक से चलती है। 25 मैक। अब 25 मैक का क्या मतलब हुआ? 25 मैक का क्या मतलब हुआ कि भैया साउंड की स्पीड से 25 टाइम्स ज्यादा, है ना। वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 25। और हमको पता है कि किसी भी साउंड की स्पीड अगर 5 मैक से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 5 मैक, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हाइपरसोनिक। तो बताओ, हमारा जो अग्नि मिसाइल है वो किस स्पीड से जाती है? हाइपरसोनिक की स्पीड से, ठीक है, हाइपरसोनिक की स्पीड से। यह है ब्रह्मोस टू। ये भी जाती है हाइपरसोनिक की स्पीड से, क्योंकि इसकी जो मिनिमम ये है रेंज, है ना, स्पीड की रेंज, वो है 5 मैक। इससे ऊपर ही चलती है, दिखाने के लिए 5 मैक दिखाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आती है। अग्नि मिसाइल हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आती है। अब अग्नि के भी वेरिएंट है, वो अगर ये देखना है कि कौन सा अग्नि का वेरिएंट किस कैटेगरी में आता है, तो उसमें देख लेना, जैसे विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च करोगे तो उसके सामने लिखा रहेगा 10 मैक, 5 मैक, 7 मैक। तो मैक से ही हम अंदाजा लगा लेंगे वो किस कैटेगरी में आएगी, सब सोनिक में, सुपर सोनिक में या हाइपरसोनिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। तो हमने ये जो साउंड की स्पीड के बेसिस पर सब सोनिक, सुपर सोनिक और हाइपरसोनिक का इसको समझ लिया। अब हम एक चीज समझते हैं कि ब्रेकिंग साउंड बैरियर क्या होता है, ठीक है। या एक बूम आवाज आती है, कभी सुना है? मतलब कि वैसे तो नॉर्मली सिटीज में सुनने को नहीं मिलता, ऐसे एरिया जहां पर आसपास में
हमारे जो एयरफोर्स होते हैं उनके बेसेस होंगे अगर, तो उस एरिया में हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी, सुपरसोनिक बूम जिसको कहते हैं कभी कभी, वो कैसे जनरेट होता है और उसके पीछे क्या फिजिक्स है हम उसको समझते हैं। उसको आम भाषा में कहते हैं ब्रेकिंग साउंड बैरियर। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग साउंड बैरियर। देखो जैसे कोई जहाज रहेगी नॉर्मल, कोई नॉर्मल अगर प्लेन रहेगी तो बताओ नॉर्मल प्लेन कितनी की स्पीड से चलेगी, अमूमन वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, सबसोनिक की कैटेगरी में, है ना, सबसोनिक की कैटेगरी, यानी उसकी स्पीड जो भी रहेगी 332 या 332 से कम ही रहेगी, ठीक है, सबसोनिक कैटेगरी में। तो जब ये आगे आगे चलेगी तो इसके पीछे से मतलब कहों से जो आवाज आती है घर 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 के इंजन की, उसके इंजन की आवाज भी इसके साथ साथ ट्रेवल करेगी, है ना, उसके साथ साथ ट्रेवल करेगी। अच्छा एक बात बताओ, कोई मैं ऐसा जहाज बना दूं जिसकी स्पीड इस साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा हो जाए, जैसे 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, तब 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 क्या होगा, तब भाई जहाज यहाँ आ गई और अभी साउंड यहाँ पर पहुंचा है, तब से जहाज यहाँ चली गई साउंड अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ, समझ आ रहा है, यानी जहाज आगे आगे भागना शुरू कर देगा और साउंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा, और जब ऐसा होगा तब एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, समझा, एक ऐसा स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट होता है, जो ऑब्जेक्ट है यानी जहाज उसकी स्पीड इससे निकलने वाले साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। तो नॉर्मली ये सिचुएशन कब अराइज होगी, क्या सब सोनिक में ये सिचुएशन हो सकती है, नहीं, ये सिचुएशन होगी या तो सुपरसोनिक हो या तो हाइपरसोनिक, है ना, तो मैं कह सकता हूं कि अगर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब वो ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट करेगा अपने पीछे। ये स्ट्रक्चर क्यों जनरेट होता है, साउंड की वजह से, इसके इस जहाज के इंजन से निकलने वाले साउंड की वजह से, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें ये चीजें क्या होती हैं, तो ये जो जनरेट हुआ है इसी को हम कहते हैं साउंड बैरियर। ये कौन किससे निकलेगा साउंड, तो इस जहाज के जो इंजन है, अब ऐसा थोड़ी है जहाज अगर 5 मैक से चल रही है, 5 मैक से चल रही है तो इसका साउंड भी इसके साथ ही चलेगी, साउंड की स्पीड एयर में कितना है 332 मीटर पर सेकंड, है ना, 332 मीटर पर सेकंड, तो इसके इंजन से निकलने वाली साउंड इसके पीछे पीछे रहेगी, हमेशा इसका पीछा करते रहेगी। तो कभी कभी कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा तुमने, जहाज ऐसे जा रहा है और उसके पीछे ऐसा 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 जो है गोला टाइप बना हुआ हमें दिखाई देता है, समझ आ रहा है, ये क्या रहता है, ये एक जो साउंड की ये वेव है अगर ये साथ साथ जाते रहते, मान लो कि ये जो जहाज है ये इस साइड जा रहा है और यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग वगैरह आ जाए, कांच की बिल्डिंग, और इससे जो निकलने वाला जो साउंड वेव ये इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, अगर इस कांच की बिल्डिंग से टकराएगी ना सारे के सारे कांच तोड़ देगी, समझा, और कभी कभी तो इतना तेज हो जाता है या इतनी तेजी से टक्कर होती है, कमजोर बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग को भी क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से मूव करते हैं उन्हें कभी भी कमर्शियल एरिया में उड़ने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ये जनरेट करते हैं एक शॉक वेव, इसे हम कहते हैं शॉक वेव, प्रघाती तरंग।
धारणा रखो, ठीक है। तो शॉक वेव कैसे जनरेट होता है, क्लियर हुआ क्या? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक की स्पीड से मूव करेगी तो उससे निकलने वाली साउंड शॉक वेव जनरेट करेगी, सिंपल, क्लियर। बस शॉक वेव जनरेट होने के लिए ये पूछेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से मूव करना होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक से ऊपर है, चाहे वो सुपरसोनिक हो या हाइपरसोनिक हो, तो शॉक वेव जनरेट कर सकते, क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो साउंड की स्पीड है, ये जैसे गैस में तेज है, सबसे तेज जाती है, लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएगी, सॉरी गैस में सबसे कम जाती है, लिक्विड में थोड़ा तेज हो जाएगी और सॉलिड में सबसे तेज हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये समझते हैं इस स्पीड पर और कोई फैक्टर है क्या जो अफेक्ट करता हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इसके बारे में। पहली चीज तो हमने ये देखा कि भाई जो मटेरियल मीडियम होता है, मीडियम अफेक्ट करता है साउंड की स्पीड, क्यों? क्योंकि साउंड की जो स्पीड है वो सबसे अधिक किस में होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अभी समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा सॉलिड में सबसे ज्यादा कैसे होती है, मैंने बताओ जब वेव पढ़ा रहा था तभी एक एग्जांपल दिया था और मैंने बताया था अगर ये कोई रेलवे ट्रैक है ना, और यहाँ पर खड़ी हो और यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त है, और ये हथौड़े से, ठीक है, जब ये हथौड़े से इस पटरी पर मारेगा और तुम कान लगा करके वहां दूर खड़ी रहोगी तो तुम्हें एक आवाज इस पटरी के नीचे अंदर से जाती हुई सुनाई देगी, कान, और एक आवाज इस हवा में से जाती हुई सुनाई देगी, कान। जो पटरी वाली आवाज रहेगी वो तो तुम्हें पहले पहुंच जाएगी और हवा में से जो आवाज जाएगी वो थोड़ी देर बाद पहुंच। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू गैस, समझ में आया क्या? तो मीडियम साउंड की स्पीड को इंपैक्ट करती है कि नहीं करती है? और क्या चीज है, देखो इलास्टिसिटी, क्या इलास्टिसिटी, किसी भी जो ऑब्जेक्ट की ना इलास्टिसिटी कितनी है वो भी साउंड पर इंपैक्ट करती है, साउंड के स्पीड, क्या रिलेशन होता है, देखो साउंड के स्पीड और इलास्टिसिटी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मेटल है, हम मान लेते हैं कि स्टील है, स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है, आयरन। तो पूछेगा कि बताओ अच्छा स्टील और आयरन में से सबसे तेज स्पीड किस में जाएगी, तो जाएगी स्टील में। इसीलिए अगर कोई स्टील का पाइप होगा, ठीक है, उस पर मारना, और कोई लोखन का पाइप होगा उस पर मारना, तो स्टील वाला वाला कन से तुरंत सुनाई देगा और ये वाला जो लोखन वाला रहेगा धब सुनाई देगा, है ना। हाँ, तो इलास्टिसिटी और स्पीड, साउंड की स्पीड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर इसमें ना एक मटेरियल का नाम पूछता है जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो इलास्टिसिटी होती है वो किसी भी मटेरियल से सब ज्यादा होती है। तो देखो इसमें यही पूछता है, ऑप्शन में दे देगा कि इसमें साउंड की स्पीड सबसे तेज होगी आयरन, कॉपर, स्टील या क्वार्ट्ज, तो क्या मारेंगे, क्वार्ट्ज, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में
सबसे तेज साउंड की स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी अन्य किसी भी मटेरियल से ज्यादा होती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसे बनाया जाता है मेन। ठीक है, आवाज जा रही है क्या? ओके, हमने क्या समझ लिया? हमने मीडियम समझ लिया, इलास्टिसिटी समझ लिया। अब इसी तरीके से होता है डेंसिटी। यहां लिखता हूं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी भी स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं बताओ? अगर मैं एक जगह रख दू आयरन और एक जगह रख दू एयर, किसकी डेंसिटी अधिक है? आयरन की। तभी तो हमने देखा था ये जो ट्रेन की पटरी थी इसमें आवाज जल्दी गई थी और हवा में आवाज लेट में पहुंची थी। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड ऑफ साउंड। कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है वो डिपेंड करेगा उसमें साउंड कितना जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डेंस है आयरन तो उसमें साउंड तेजी से जाएगा, कम डेंस है आयरन तो उसमें साउंड जो है स्लो स्लो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो हवा में पानी की मात्रा को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना? हवा में पानी की मात्रा को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में नमी। नमी, तो ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ साउंड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हवा में ज्यादा नमी होगा तो साउंड बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा, कम नमी होगी तो साउंड कम ट्रेवल करेगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस बेसिस पर कहूँ दो सीजन देता हूँ, एक रेनी सीजन और एक विंटर सीजन, कौन से सीजन में ट्रेन की जो आवाज है वो हमें बहुत दूर से आसानी से सुनाई दे देगी? गलत हो गया। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी में, विंटर सीजन में हवाओं से जो पानी होता है वो सूख चुका होता है और हवाओं में नमी कम हो जाती है। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है? रेनी सीजन में झमाझम बारिश होती है और पूरे हवा में पानी ही पानी फैल जाता है। तो अगर बारिश हुई है और ट्रेन बोलेगा पों तो दूर से ही सुनाई दे देगा, और वही सेम डिस्टेंस पर अगर विंटर में रहेगा तो आई नहीं दे। समझ में आया क्या? लेकिन अगर यही पूछ दे कि भाई विंटर और इसमें समर में, विंटर और समर में, तब अब समर में क्यों? क्योंकि विंटर में ऑलरेडी नमी कम होती है, हवा नमी को खींच लेती है, मतलब आसपास के एरिया से नमी को खींच लेती है। और जो समर वाली सिचुएशन होती है, समर वाले में सूरज की रोशनी पड़ती है और उससे तालाब का, गढ़ा गुढ़ी का, समुन्द्र का पानी भाप बन के ऊपर उठता है, तो हवाओं में उस वक्त नमी रहती है। क्या उस वक्त नमी रहती है, तो हमें समर में ज्यादा तेज सुनाई देगा एज कम्पेयर टू विंटर में। लेकिन अगर वही चीज मॉर्निंग का सीजन है, मॉर्निंग का, तो हम विंटर में देखते हैं सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो काफी ठंडा होता है और हवाओं में नमी ज्यादा होती है। लेकिन गर्मी के टाइम पीरियड में हवाओं में नमी नहीं होती है सुबह सुबह में। तो मॉर्निंग सेशन में वो विंटर के समय हमें जो गाड़ी की आवाज है वो ज्यादा तेज सुनाई देगी। फिर कभी कभी अगर ये महसूस किया होगा, गांव में अगर हम रहते थे तो ठंडी के समय में अगर 4 बजे 5 बजे कोई ट्रेन जाती थी, दूर फाटक से ही ट्रेन की आवाज हमारे घर तक सुनाई देती थी। महसूस किया कभी? तो ये हो गया ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन होता है, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं टेम्परेचर का क्या रिलेशन। ठीक है, टेम्परेचर सब एक जगह लिख दूंगा। देखो, टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होती है लेकिन स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी तो होती है बट स्क्वायर रूट में, क्यों? इससे रिलेटेड सवाल पूछता है। अब क्या सवाल रहता है उसके लिए फॉर्मूला है भाई कि तुम्हें दो वेलोसिटी दे देगा, एक टेम्परेचर दे देगा और दूसरा टेम्परेचर निकालना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, बट ये टी वन टी टू रूट में है, समझा। तो टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है बट टी इज ऑलवेज इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट है कि जब टेम्परेचर में एक डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस, तब ऐसी सिचुएशन में स्पीड ऑफ साउंड में 0.6 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 0.62 मीटर पर सेकेंड का। जैसे मैंने कहा अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ 26 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होगी। हम क्या करेंगे, इतना बढ़ा देंगे जो हो जाएगा 20.62 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, गेटिंग माय पॉइंट। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट होने पर साउंड में कितने की वृद्धि होती है, .62 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक चीज याद रखने वाली बात है, जब भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, लेकिन सॉल्व करते वक्त तुम्हें इसे केल्विन में चेंज करना होगा, फिर चेंज करना होगा चेंज इन, समझ में आया, केल्विन। तो हमको पता ही होगा केल्विन में करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, है ना, क्लियर है क्या। तो अगर मैं इस बेसिस पर एक क्वेश्चन दूं न्यूमेरिकल तो सॉल्व होगा क्या, चलो देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन है, बताऊं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड स्पीड ऑफ साउंड अगर जेड है, क्या है जेड, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, 25 की जगह काम करो 27 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना है जेड, देन what will be the speed of sound at 327 degrees, can I find it, stop करूँ उस time के लिए, चलो solve करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ V1 अपॉन, हमने कहा था कि इसमें टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में देगा, जैसे T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये,
300 केल्विन, और इसी तरीके से टी क्या हुआ है, टी 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी चेंज करेंगे, टी 27 प्लस 73 कितना हो जाएगा 100 केल्विन, यह हमें पता चल गया। उसके बाद एक वेलोसिटी दिया हुआ है, टी 1 पर वेलोसिटी दिया हुआ है डेड, डेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे, डेड अपॉन 2 इक्वल टू रूट ऑफ टी 1 की जगह क्या रखेंगे 300 अपॉन टी 2 की जगह 600, अब काट दो, एक दो क्या क्या हो जाएगा, डेड इज इक्वल टू टी 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई 6 मतलब 1/2 क्या। अब देखो यहाँ पर करता हूँ, डेड अपॉन टी 2 इज इक्वल टू, इसको मैं रूट 1 अपॉन रूट 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना, तो रूट 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, और ये हो जाएगा रूट 2, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास, तो हो जाएगा जेड रूट 2 इक्वल टू, यानी हमारी जो दूसरी स्पीड होगी वो कितना होगी जेड टाइम्स ऑफ रूट रूट, जेड की वैल्यू कुछ जो भी दे देगा वो हम 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो गया। अब ये था टेम्परेचर पर, इसी तरीके से तो साउंड होती है, साउंड एटॉमिक मास पर भी डिपेंड करती है, एटॉमिक मास मतलब कि एटम का मास है ना, तो मैं यहां लिखता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अभी समझाता हूँ क्या होता है, ऐसे एटॉमिक मास वगैरह तो हम केमिस्ट्री में करते हैं, एटॉमिक मास को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि शॉर्टकट में मैं, ठीक है, तो टी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एटॉमिक मास, जब कभी भी 1/something होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा उल्टा, ठीक है भाई, जब भी कभी ऐसा दिखे तो समझ लेना इससे कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछा जाएगा तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कल सा जैसे उसमें था V1/T2 = वहां पर क्या था T1/T2 क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा M2/M1 रूट में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एकदम कहानी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगी, स्पीड ऑफ साउंड घटेगी, कैसे समझेंगे एटॉमिक मास बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे हम यहाँ देखते हैं ये दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ देखोगे तो उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है कितना एक, है ना, एक्चुअली में ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं कई सारे आइसोटोप्स वगैरह होते हैं, फिर उसी तरीके से कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो सारे आइसोटोप्स का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तब ये मिलता है हमें ये एक एटम का एटॉमिक मास, ठीक है, वो सब हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे क्या होता है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे H2O है तो इसमें H दो बार है, H, ऑक्सीजन एक बार है, है ना, इन तीनों के मास को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे, लेकिन जब कभी भी सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। देखो हाइड्रोजन का है एक, बोरॉन का है 10, कार्बन का है 12, अब इधर इधर जैसे जा रहे हैं हम लोग यहाँ एटॉमिक मास हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अगर तुम्हारे पास ऐसे एलिमेंट दे दे हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन और पूछे कि इसमें से कौन से एलिमेंट में साउंड की स्पीड सबसे तेज होगी, कैसे पता लगाओगी भाई, जिसका मास सबसे कम उसमें स्पीड सबसे ज्यादा, और जिसका मास सबसे ज्यादा होगा स्पीड कम, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या पता होना चाहिए,
भाई किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ना है, ठीक है। तो जब तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा तो बेसिक चीज है, ये बच्चे को भी याद रहता है कि हाँ इसका ये है एटॉमिक मास का होता है। अमूमन एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर का डबल हो जाता है ना, आमतौर पर, हमेशा नहीं बट रफली ऐसा पाया जाता है। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6, तो उसका एटॉमिक मास देखो 12 है, क्या 12 है। बोरॉन का देखो एटॉमिक नंबर 5 है तो एटॉमिक मास 10 है, क्या। उसी तरीके से ऑक्सीजन का 8 है तो लगभग ये 16 है। अमूमन एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर का डबल हो जाता है, तो अगर किसी को एटॉमिक नंबर अगर पता रहेगा तो नॉर्मली वो निकाल लेता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो स्पीड ऑफ साउंड होती है, साउंड की स्पीड ये एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली, 1/2 में है ना, 1/2, वी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब कभी भी 1/2 में होता है तो उसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यही अगर ऐसे रहता रूट ऑफ एम तो इसको हम कहते हैं ये डायरेक्टली, क्या क्लियर हो गया। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला अगर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा, दो स्पीड दे देगा V1 V2, एक का मास दे देगा दूसरे का मास नहीं दिया रहेगा तो तुम्हें इस फॉर्मूले में पूछ करके मास निकल जाएगा, या दो का मास दे देगा एक का स्पीड दे देगा तो दूसरे का स्पीड आ रहेगा। समझ आ गया क्या। तो अगर मैं इस पर रिलेटेड कोई सवाल दूं तो सॉल्व हो सकता है क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाद हम स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 30 meter per second, then find in oxygen में उसकी स्पीड फाइंड हो, सिंपल आई सी तो H2 हाइड्रोजन में कितना दिया हुआ है तो 30 meter, और O2 में हमें तो मतलब ऑक्सीजन, फाइंड आउट करो मैं, ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कहा इसका फॉर्मूला पहले लिख लो भाई, क्या है फॉर्मूला, E1 upon V2 equal to root of M2 upon M1। M1 M2 क्या है तो मासेस है एलिमेंट्स के। देखो हाइड्रोजन का कितना है तो हाइड्रोजन का हमको पता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है दो हाइड्रोजन है, इसका मास कितना हो जाएगा भाई 1/2 यानी 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का लगभग 16 है, ठीक है 15.99 नहीं लेते हैं 16 लेते हैं। दो का कितना हो जाएगा जी, दो का हो जाएगा 16 × 32, मास मिल गया। एक का स्पीड दिया हुआ है दूसरे का निकालना है। देखो मैं मान लेता हूँ भाई ये जो M1 है, M1 के लिए हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और M2 के लिए हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है बस इसी अकॉर्डिंग रख दो। P1 हाँ ठीक है जो भी है सही है, अपने हिसाब से जो भी, चाहे M2 को ऑक्सीजन मानना है तो मान सकते हो, M1 को हाइड्रोजन मानना है तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं, कहता है कि हाइड्रोजन में क्या है भाई 330 है, तो हाइड्रोजन में ऊपर हम लिख देते हैं 330, ठीक है। उसके बाद नीचे है पता नहीं है तो कर देंगे, और फिर यहाँ कहा है कि M2 कितना हो जाएगा, M2
तो अपॉन और हाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 38 है ना। अगर हम इसको ऐसा करेंगे जाएगा यहाँ से काटेंगे इसको तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 330 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/16। अगर इसको हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे 330 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/16 16 का कितना हो जाएगा 4 4 ठीक है 16 का 4। तो हम देखेंगे इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी जबकि स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए स्पीड घटनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो स्पीड कम आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये सीक्वेंस ऐसे नहीं रख सकते, यहाँ हाइड्रोजन को ऊपर नहीं रख सकते हम लोग, हमें ऊपर ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा। क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ेगा स्पीड घटेगी। तो अगर हाइड्रोजन में 330 है तो ऑक्सीजन में 330 से कम होना चाहिए, और जब हमने हाइड्रोजन को ऊपर रखा तो हमारी वैल्यू 4 टाइम ज़्यादा आएगी, तो गलत वैल्यू है। हम काम करेंगे इसको क्या कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे कभी कभी चेक भी करना पड़ेगा, तो अगर क्लियर रहेगा तो हम निकाल सकेंगे। कर देते हैं M2 को हम कर देते हैं ऑक्सीजन और M1 को कर देते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ रख देंगे वैल्यू तो 30 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ ये हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ये हो जाएगा 2 यहाँ 30 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ 16 यानी 30 अपॉन T2 इज इक्वल टू 4 सो 30 अपॉन 4 इक्वल टू T2 काटेंगे T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 4 8 32 8 1 4 2 8 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सही आई है। तो पहले हाइड्रोजन में था 330 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में आया 82.5 मीटर पर सेकेंड, तो 330 से कम है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जाता है स्पीड कम होती जाती है, हमारी थियरी यही कहती थी और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी क्लियर हो गया। देखो हमने साउंड की स्पीड को इम्पैक्ट करने वाले सारे के सारे फैक्टर्स थे, कौन से फैक्टर्स थे पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फैक्टर क्या था हमने देखा था, हमने देखा था मीडियम, क्या दूसरा फैक्टर क्या देखा था हमने देखा था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तीसरा फैक्टर क्या देखा था हमने देखा था डेंसिटी, डेंसिटी। चौथा फैक्टर हमने क्या देखा था, हमने देखा था हीट। पांचवा फैक्टर हमने क्या देखा था, हमने देखा था टेम्परेचर। छठवा फैक्टर हमने क्या देखा था, एटॉमिक एटॉमिक एक मास। इसमें कहीं पर भी हमने प्रेशर का जिक्र नहीं, प्रेशर का जिक्र नहीं किया, और यही पूछ देता है, कहता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर साउंड की पर इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो उसमें ऑप्शन सी पर रहता है प्रेशर, और प्रेशर साउंड की पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। समझ में आया, हाँ, तो ये चीज याद रखना, प्रेशर साउंड की स्पीड पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, बाकी ये सारे के सारे साउंड की स्पीड के साथ इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये इम्पैक्ट डालते हैं। क्लियर हो गया, आज के लिए इतना रखते हैं।